मधुमक्खियों ने उत्सर्ग टारा, मक्खियों ने उत्सर्ग टारा, यवनों का दल है दान बड़े बाबा मेरे, यवनों का दल है दान बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, बड़े बाबा मेरे, श्री आदिनाथ भगवान बड़े बाबा मेरे। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। चलो अनमोल, तैयारी हो गई? हेलो हेलो, चलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो महावीर भगवान की जय।
आज हमारे भक्तांबर जी के अनुष्ठान का 322वां दिन 322Y18 322Y18 आज हम करने जा रहे हैं 18वें नंबर के श्लोक का अनुष्ठान। सभी लोग उन जिन मंदिर में चले जाइए, कल्पना करिए कि आप उन जिन मंदिर में पहुंच चुके हैं जहां आप नित्य जाते हैं और दर्शन इत्यादि के उपरांत आप अभिषेक और शांति धारा में शामिल हो गए हैं। मंत्रों की गूंज आपके कानों तक आ रही है, आप अपने आप को एनर्जाइज कर रहे हैं। साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से अपनी बॉडी, अपने शरीर के एक एक पार्ट्स के एक एक सेल्स को आप एक्टिवेट करिए। प्रभु के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दीजिए और पूर्ण एकाग्रता और पूर्ण समर्पण के साथ आज की शांति धारा और अभिषेक में सहभागी बनिए। आइए करते हैं अभिषेक। द्रव्यै अनल्पगणता चतुरातमानै रामोद्भासित समस्त दिगन्तरालै मिश्रीकृतेन पैकाजिन पुङ्गवानम् त्रैलोक पावन महम स्मरणं करोमि। ओम ह्रीं श्रीमंतम भगवंतम कृपाल संतम विद्वादि महावीर पर्यंतम चतुर्विंशति तंकर परम देव माध्यानामादे जम्बूदीपे भरत क्षेत्रे यारकंडे भारत देते महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्य फाग मासे शुक्ल पक्षे तिथि 13 दिन शुक्रवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जल से करोमी नमः। दुराबन मृषुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरणाच विभूतराग्रिम प्रद्वेदताप मलमोक्ष मबिन प्रकष्टै भक्त्यांजलै जिनपतिं बहुधा विसिञ्चे। ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विद्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तंकर परम देव माध्यानामादे जम्बूदीपे वरक्षेत्रे यारकंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये फाग मासे शुक्ल पक्षे तिथि 13 दिन शुक्रवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम सुगंधि जल से करोमि नमः। इष्टै मनोरथ सदैरिव्य पुंसा पुनै सुवर्ण कलशै निखिलावसानम् संसार सागर विलनन हेतु सेतु मप्लावहे त्रभुनेक पतिं जिनेन्द्रम्। ॐ ह्रीं श्रीमन्तं भगवन्तं कृपालसन्तं विद्वादि महावीर पर्यन्तं चतुर्विंशति तंकर परम देव माध्यानामादे जम्बूदीपे वरक्षेत्रे यारकंडे भारत देशे महाराष्ट्र प्रांते वैजापुर नामनी नगरे श्री 1008 पार्श्वनाथ चैत्यालय मध्ये फाग मासे शुक्ल पक्षे तिथि 13 दिन शुक्रवासरे मुनि यारिका श्रावक श्राविका नाम सकल कर्म छायार्थम
सुगंधित जल अभिषेक करूमी नमः नमः नमः। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूपल अर्ज लई धवल मांगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं त्रिभुवन पते चतुष्कल जल अभिषेक करोमी अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्पामिति स्वाहा स्वाहा। और आइए इस शांत वातावरण में पिंड्रॉप साइलेंस के एटमॉस्फेयर में हम चलते हैं शांति की खोज में और करते हैं शांति धारा। आप अपनी एकाग्रता और बढ़ाइए, प्रभु के चरण में सब कुछ समर्पित कर दीजिए, अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए एक घंटे के लिए और आप और सामने प्रभु जी की प्रतिमा और शांति की धारा, इसके अलावा कुछ नहीं। मन को निर्विकल्प कर दीजिए, थॉटलेस शून्य की अवस्था में चले जाइए और ज्यादा से ज्यादा मंत्रित जल प्राप्त करने की कोशिश करिए। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते श्री पार्थि संग्रह द्वादश गण परिवेष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मे परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रिलोक वंश कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धने थोड़ा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका त्रावक त्राविका प्रमुख चतुर संगोप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय अपायम मृत्यु छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे अतिकामाम रतिकामाम क्रोधाम छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे अग्नि सर्वशत्रुं सर्वोपसर्गं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वभयं सर्वभयं सर्वराज्यभयं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वचौरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं चिंदे चिंदे बिंदे बिंदे सर्वात्मचक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्व क्षय रोगाम सर्व कुष्ठ रोगाम सर्व क्रूर रोगाम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्व नरमानीम सर्व गजमानीम सर्व औषमानीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्व गोमानीम सर्व महिषमानीम सर्व धान्यमानीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेतालसाग्निमयम् चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे सर्वेदनीयम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम् चिंदी चिंदी बिंदे बिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांति गुरु गुरु सर्वजनानंदना गुरु गुरु सर्वभव्यानंदना
गुरु गुरु धर्म गोकुलानंदना गुरु गुरु ग्राम नगर केट करवट मटबन पत्तन द्रोणा मुख सम्मानंदना गुरु गुरु सर्वदेशानंदना गुरु गुरु सर्वलोकानंदना गुरु गुरु सर्वयजमानंदना गुरु गुरु सर्व दुखम हनन दय दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधिर्व्यसन वर्जितम् अभयम् क्षेममारोग्यम् स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु कुल गोत धन दान सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु पादपोज मल्ली बरदान पुष्पदान शीतल मुनशोभ्रत नेमनाथ पार्श्वनाथ इतेभ्यो जिनेभ्यो नमः अस्माकं श्री संकेत जी लुनावत उनका जन्मदिन है तो उन्होंने मंगल भावना भाई है शांति धारा के लिए संकेत जी लुनावत पूना और बसंत लाल लुनावत उनके पापा का नाम है उन्होंने भी भावना भाई है स्वास्थ्य लाभ और सभी बात मंगल भावनाओं के लिए। इसी प्रकार हमारे शिल्पी जैन जी जयपुर सुनील जैन किंसुक जैन नक्षत्र जैन ममता जी पारिक भोपाल शशि जी पेद कोलकाता पुष्पा जी लुनावत सूरज जी गिरिया दिल्ली पुष्पा जी कटारिया प्रकाश जी कटारिया इंदौर अनंत गोयल सक्षम जैन कोलकाता सुनीता जी मेहता कोलकाता प्रकाश जी भंडारी सुरेश कुमार जी मरलेचा पूना वर्षा आशीष जी पाटनी एंड पूरा परिवार अरुण कुमार जी जैन सुनदी जैन जयपुर अशोक भाई मणिलाल साय एंड परिवार बड़ोदरा अनमोल संतोष जी पाटनी सुपारस भंडारी और उनका पूरा परिवार कांतिलाल जी उज्ज्वला जी सम्यक एंड साहिल कासलीवाल बेजापुर वैभव गंगवाल चेन्नई मृदुला कौशल स्नेहा मासूम और अभिजीत अमृता निकुंज पारा पूना चंद्रकला जी भंडारी इन्होंने स्वास्थ्य लाभ के लिए भावना भाई है पूना चिंचवार पूना कुसुम जी जालन एवं जालन परिवार कोलकाता। इसी के साथ हमारे आयोजन करने वाली तीनों संस्थाओं के सभी पदाधिकारी और अष्टांग का पर्व में जो विशेष रूप से भावना भा रहे हैं ऐसी पुष्पा जी बड़जात्या विजय जैन कोपल विजय जैन कोपल जैन अक्षय जैन रामपुरा कोटा पुष्पा जी बड़जात्या और विजय जैन कोपल जैन अक्षय जैन रामपुरा कोटा। इसी प्रकार संतोष जी ललिता जी आर्यन जी सोनी जी एंड शेट्टी परिवार कोलकाता नीरज जी जय सिंह जी केतन जी और प्रशांत जी सुराना हैदराबाद हमारे दोनों स्पीकर डॉक्टर मंजू संदीप जैन और डॉक्टर अर्चना विनय जैन नागपुर संतोष जी अनमोली पाटनी बेजापुर हमारे सैनिक भाई किसान भाई और जितने भी भक्त अमर के हीलर आईवीएस परिवार के हीलर जो हीलिंग का कार्य कर रहे हैं सभी की ओर से मंगल भावना हम भाते हैं। सब स्वस्थ रहें मस्त रहें और धर्म लाभ में धर्म कार्य में लगे रहें ऐसी भावना हम प्रभु से भाते हैं। हमारे जितने पार्टिसिपेंट जुड़े हैं जुड़ रहे हैं जुड़े थे या जुड़ेंगे सभी की मंगल भावनाएं प्रेषित करते हैं और भगवान से मंगल कामना करते हैं कि सब स्वस्थ रहे सब धर्म लाभ लें और अपने कर्मों की निर्जरा करें ऐसी भावना के साथ हम आज की संचारा करेंगे। सभी लोग तैयार हो जाइए और मेरे साथ बोलिए शांति धारा के साथ
श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु कुल गोत्र धन धान सदा संतु सद्धर्म श्रीवल आयु आरोग्य अभिवृद्धि रस्तु तास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु भारतपूज मल्ली बर्तमान पुष्पन शीतल मुनिशोभ्रत नैमिनाथ पार्श्वनाथ देव्यो नमः। ओम नमो अनंते भगवते श्रीमते प्रशिक्षणा दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराये सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व क्षाम नामर विनाशनाय ओम राम रीम रूम रोम रह असिया उषा अरहम नमः। सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम नीम त्रीम क्लीम अरम अश्या उषा अनाद विद्याय नमोरियंतनम रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। रोम सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रशामान्य तपोधनानां देकस्य राष्ट्रस्य पुरस्तरज्ञां करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवन् जिनेन्द्र इति शांति धारा। उदक चंदन तांदुल पुष्प कई चरु सुदीप सुदूपल अर्घ लई धबल मांगल दान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे जिन ग्रहे जिन अभिषेक महम यजे जिन ग्रहे जिन शांति धारा महम यजे। ओम ह्रीं क्रीं क्लीं त्रिभुवन पते शांतिधारा उपरांते श्री पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमलों में श्री शांतिनाथ भगवान के चरण कमलों में चौबीस तीर्थंकर भगवान के चरण कमलों में अनर्ग पद प्राप्त आई अर्घम निर्वामिति स्वाहा स्वाहा। चौबीसों भगवान का चलाएंगे दीदी के साथ। ललित दीदी ललित दीदी उनका वीडियो बंद है। ललिता दीदी जल पल आटो सुचितारता को अर्घ करूं तुमको अर्पो भवतार मवतरी मोक्ष बनो चौबीसों श्री जिन चंद आनंद कंद सही पद झत हरत भव पंद पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवी विराजतेभ्यो निष्कांतेभ्यो अनर्ग पद प्राप्त है अर्घम निर्वामिति स्वाहा। दीदी एक बार फिर से बोल देंगे। जल पन आटो सुचि सारिता को अर्ग करो ओ तुम्हें को अरे को भवतार भवतरी मोक्ष वरो चौबीसो सिर जिन चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भव पंत पावत मोक्ष मई। ओम ह्रीं श्री बृहस्पति विदांत में
अनंत प्राप्त है अर्घम निर्पावती स्वाहा। चौबीस तो भगवान की जय जय जय। तो पार्श्वनाथ भगवान की जय। तो महावीर भगवान की जय जय जय। तो शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। तो बड़े बाबा प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। थैंक यू विनय भैया। चलिए दीदी ने अर्घ पढ़ दिया। अब हम लोग जो हमने मंत्रित जल प्राप्त किया है उसका सहारा लेंगे, पांचों चक्राज में लगाएंगे। सभी भावना भाई कि आपकी उंगलियां उस बॉल में जा रही हैं, बेजापुर में रखी बॉल, और उस बॉल में एकत्रित मंत्रित जल से आप गंधों तक ले रहे हैं और अपने चक्राज को क्लीन कर रहे हैं। निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम कर्माष्टक निवारणम। जबलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलो महावीर भगवान की जय। चलिए मानसिक स्वस्थता और सभी भगवानों के आह्वान के बाद, दिव्य आत्माओं के आह्वान के बाद इस अनुष्ठान की पवित्रता और बढ़ गई है। सभी इसमें जितनी भी दिव्य आत्माएं थी जो आसपास थी सब शामिल हो गई हैं और हमारा अनुष्ठान पवित्र से पवित्रतम हो गया है। सभी लोग अपनी एकाग्रता और बढ़ाइए और मानसिक स्वस्थता के सेशन के बाद आइए चलते हैं हम शारीरिक स्वस्थता के सेशन की ओर डॉक्टर अर्चना जैन के साथ। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। हम भक्ति से प्रभु के दर्शन करेंगे। हमको भी बुलवा लो भगवान सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। गुणस्थान की शेर करेंगे गुणस्थान की शेर करेंगे उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। ना चाहूँ मैं सोना चांदी ना चाहूँ संसार में। ना चाहूँ मैं सोना चांदी ना चाहूँ संसार में। मुनियारिका बन के विचरूं मुनियारिका बन के विचरूं वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवन सिद्धों के दरबार में। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
चलते हैं हम वहाँ क्या बात है में मंगलाचरण की ओर चलेंगे हमारा सेशन वहाँ क्या बात है। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भार मल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम। पंच परमेष्टि को सत्सत वंदन। जय जिनेन्द्र। सुप्रभात। सादर अभिवादन। फेसबुक एवं जूम के माध्यम से जुड़े हुए सभी साधकगण, हमारे स्पीकर डॉक्टर अर्चना वी जैन, श्री विनय जी जैन, ललिता जी एवं अनमोल संतोष पाटनी परिवार एवं सभी आयोजकों का मैं हार्दिक स्वागत एवं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं संगम फाउंडेशन हैदराबाद, सिद्धायतन परिवार श्री सम्य शिखर जी एवं IVS हीलिंग सेंटर। बंधुओं, हम युद्ध करें पर किससे, हम विजयी बने पर किससे, हमारा युद्ध हो क्रोध से, अहंकार से, अज्ञान से और प्रमाद से, और इनसे ही हमें विजयी भी बनना है। और हमारा प्रयास सुबह के सेशन में यही रहता है कि हम इन सभी आठों कर्मों का क्षय करें। तो आइए चलते हैं पहले अपनी सुरक्षा, अपने सुरक्षा कवच की। पंच परमिष्टि गर्भित ओम का उच्चारण करेंगे। पंच परमिष्टि का आह्वान, नमो अरिहंता नमो सिद्धाणम्। पूरे भावों से आह्वान करें, नमो आयरियाणम् नमो उवच्छायाणम् नमो लोए शब्दसाहु। पंच परमिष्टि आपके हाथों में विराजमान हो चुके हैं, उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे हम अरहम की ध्वनि के साथ। अरहम। अब इन ऊर्जित हाथों से हमें स्वयं का सुरक्षा कवच बनाना है। नमो अरिहंताणम्
नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब्बसाहूणं ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब्बसाहूणं ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं अवै मंगलम् नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोए सब्बसाहूणं ऐसो पंचण मुक्कारो सब पाव प्रणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् विशेष सूचना कल भी हमने दी थी। मार्च महीने का एंड चल रहा है और जैसे कि हम एनिवर्सरी और जन्मोत्सव भक्तामल जी के अखंड जाप के द्वारा मनाते हैं, इस बार भी हम मनाएंगे। जो भी अपना नाम देना चाहें वो जरूर दें। अपने नाम के साथ फोटो और पूरी डिटेल आप हमें भेजें। आप मेरे नंबर पर, विनय जी के नंबर पर, प्रार्थना के नंबर पर या दीपा जी के नंबर पर, किसी पर भी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें और विलंब ना करें, जल्दी से जल्दी करें। और जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अगर हम अपने फ्रेंड्स या पारिवारिक जन किसी के लिए भी अगर ये हम अपने द्वारा भी करवाएं तो ये शायद बहुत अच्छा गिफ्ट होगा उनके लिए। तो आप ध्यान रखें और हमारा मैसेज आगे भी आप पहुँचाएं, क्योंकि आप ही माध्यम है हमारा मैसेज सब तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए। तो ये कार्य हम जरूर करिए। धन्यवाद। चलते हैं सेशन की ओर। और किसी को भी भक्तामर के जाप में भी अगर पार्टिसिपेंट करना हो, जाप में भी पढ़ना हो भक्तामर जी, तो वो भी हमें नाम दे, बस शुद्धता के साथ पढ़े। हाँ दीदी। बोलिए देवादि देवादिनाथ भगवान की जय जय। चलते हम हमारे सेशन वह क्या बात है की ओर। उसके पहले आदि प्रभु के चरणों में दो पद रखेंगे। भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुतोदकं दलित पाप तमोविताणं सम्यक् प्रणम्यजिन पाद युगं युगादा वालंबणं भव जले पत ताम जनाना यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्वबोधा
दुतभूत बुद्धि पटु भी सुर लोकनाथ स्तोत्र जगत्रित चित्त हरे रुदारे स्तोषय किला हम पितम प्रथमम जिनेन्द्रम। बोली आचार्य मान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। रत्नत्रय मंडित संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त आरिका संघ की जय जय जय। हमारा आज का सेशन वहां क्या बात है कि 322 दिन में आज हमारा 18 नंबर श्लोक का दिवस जिसमें हम 56 अर्घ भी चढ़ा रहे हैं। एसोसिएशन में सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी हमारे पार्टिसिपेंट जो जूम पर जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और जो फेसबुक के माध्यम से भी जुड़े हुए हैं, सभी को बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन जय जिनेन जय जिनेन। चलते हम हमारे सेशन वहाँ क्या बात है की ओर, जिसमें सभी लोग अपने आप को एकदम शांत कर लेंगे। तन पे मन पे चेहरे पे शरीर पे कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं। तीन बार फूंक मार के अंदर की निगेटिव वायु बाहर करेंगे। निगेटिव वायु बाहर करके जितने भी निगेटिव थॉट्स हमारे अंदर चल रहे हैं सारे निगेटिव थॉट्स को बाहर की डस्टबिन में डाल दें और एकदम सहज सरल होकर चलेंगे हम आदि प्रभु की प्रतिमा की ओर, जहाँ से हमें एनर्जी ग्रहण करना है, शुद्ध ऊर्जा ग्रहण क्रिया की ओर चलेंगे हम। अपनी दृष्टि हमें नासा दृष्टि पे लेके जाना है, आदि प्रभु की नासा दृष्टि की ओर अपनी दृष्टि लेके जाना है। धीरे से अपनी दृष्टि को आदिनाथ भगवान के लेफ्ट पैर के अंगूठे के नाखून की ओर लेके जाइए। और आप देखेंगे वहां से एक एनर्जी निकल रही है, वो व्हाइट कलर की एनर्जी आपको अपने इंडोक्राइन ग्लैंड नर्वस सिस्टम से अंदर लेना है। वो पूरी एनर्जी आपके अंदर समाहित हो रही है, समाहित हो रही है, समाहित हो रही है। वो गोल्डन गोल्डन रश्मियां आपके अंदर प्रवेश कर रही है। जितने भी विजातीय तत्व सारे आपके शरीर से बाहर जा रहे हैं। जितने भी विजातीय तत्व काय क्लेश दुख दर्द परेशानियां आदि वेदियां सारी आपके शरीर से बाहर जा रही है, बाहर जा रही है, बाहर जा रही है। आप स्वस्थता की ओर जा रहे हो। और इसी के साथ हम शुभ भावों के साथ तीन नियम और तीन नियम में पहला है हमारा, किसी व्यक्ति से आज 10 मिनट धर्म की चर्चा करूंगा।
दस मिनट आप अपने बच्चों से धर्म की चर्चा, अपने पति से, अपने सास से, जो भी आपके घर में है, नहीं तो आप फोन से कर लीजिए कोई जिसके घर में नहीं है तो, और छना हुआ जल ही यूज करोगे। बाहर की बिस्लरी वाटर का त्याग हो गया आज। और एक जाप आपको देना है आज की, जो जाप है एक जाप आपको देना है, ओम भीम स्वर्ग सोपान संगाय नमः, अष्टांगिका के छठे दिन की जाप है। ओम भीम स्वर्ग सोपान संगाय नमः, एक जाप आपको देना है। और इसी के साथ अपने हृदय स्थान पर आप देखोगे मोक्ष स्थान से ओम को लाकर विराजमान करना है। पंच परमिष्टि गर्भित ओम को अपने हृदय स्थान पर विराजमान करिए और 50% में ओ और 50% में म तीन बार उच्चारण करेंगे ओम का। के उच्चारण के साथ अपने हृदय स्थान पर तीन वलय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चैत्र की उसके आसपास बना लूंगे। प्रथम वलय में आठ खंड जिसे आठ रिद्धि विराजमान करना येलो कलर से, द्वितीय रेड कलर की जिसमें 16 रिद्धि आएंगी, और तृतीय ग्रीन कलर की या पर्पल कलर की जिसमें 24 रिद्धियां रहेंगी, 24 खंड बना लीजिए। वलय तीनों वलय आपके हृदय स्थान पर अब आप उसमें विराजमान करोगे 48 रिद्धि। आपके ये 48 रिद्धि की जाप नित्य ही 48 दिन तक चलेंगी, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। ओम नमो जिनाणम, नमो ही जिनाणम, परमो ही जिनाणम, नमो समो ही जिनाणम, नमो अनंतो ही जिनाणम, नमो कोठ बुद्धिणम, नमो बीज बुद्धिणम, नमो पादाणु सारिणम। प्रथम वलय कंप्लीट। द्वितीय ग्रीन कलर की वलय में 16 रिद्धियां स्थापित करेंगे। नमो समिन्न शोधराणम, नमो स्वयं बुद्धाणम, नमो पत्तेय बुद्धाणम, नमो बोहि बुद्धाणम, नमो रुजुमदिनम, नमो विउलमदिनम, नमो दशपूविणम, नमो चौदशपूविणम, नमो अष्टांग महानिमित्त, नमो विव्यनेट्ठीपत्ताणम, नमो विज्जाहराणम, नमो चारणाणम,
नमो पन्नशमनानं नमो आकाशगामिनं नमो आशीविषाणं नमो दिट्ठीविषाणं तृतीयवल नमो उग्गतवाणं नमो दित्ततवाणं नमो तत्ततवाणं नमो महातवाणं नमो घोरतवाणं नमो घोरगुणाणं नमो घोरपरकम्माणं नमो अघोरगुणब्रह्मयारिणं नमो आमो सहीपत्ताणं नमो खेल्लो सहीपत्ताणं नमो जल्लो सहीपत्ताणं नमो विठ्ठो सहीपत्ताणं नमो सवो सहीपत्ताणं नमो बनबलिणं नमो वचिबलिणं नमो कायबलिणं नमो खीरसंविणं नमो सप्पिसंविणं नमो महूलसंविणं नमो अमीयसंविणं नमो अक्षीणमाणशाणं नमो वड्ढमाणानं नमो सिद्धायडणानं नमो सव्वसाहुणं बोलिए अड़तालीस सिद्धिधारी मुनिराजों की जय जय जय। अड़तालीस सिद्धियां हमारे हृदय स्थान पर विराजित, इसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि हमें भी जल्द प्राप्त हो, इसी भावना के साथ हमने ये 48 रिद्धि की जाप माला की और अपना सुरक्षा कवच 48 रिद्धि के माध्यम से हमने बना लिया। आगे अब हम चलते हैं हमारे प्रथम श्लोक की ओर। हमारा जो सेशन वहाँ क्या बात है, जिसमें हमारे 48 श्लोक की आराधना और 56 अर्घ की प्रतिदिन चढ़ रहे हैं, जो कि 2688 में से प्रतिदिन 56 अर्घ चढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। इतना बड़ा विधान 48 दिन तक हम लोग कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात। आज हमारा 18 नंबर श्लोका नंबर 18, कल तक हमारे 17 हो चुके थे। ये देखिए आपके समक्ष 18 नंबर श्लोक। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम नित्योदयम गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम विभ्राजते तव मुखाब्ज मनल्प कांति विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम। नित्योदयं दलित मोह महांधकारं गम्यं न राहु वदनस्य वारिदानम् विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकांति विद्योतयच्चगत पूर्व शशांक बिंबम। हम शब्दार्थ देखेंगे। नित्योदयम यानी नित्य यानी हमेशा उदय रहने वाला, दलित मोह महांधकारम, दलित मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला, दलित गलाना किसको, मोह रूपी अंधकार को। राहु वदनस्य न गम्यम राहु के मुख के द्वारा ग्रसे जाने के अयोग्य, वदनस्य न गम्यम मतलब अयोग्य नहीं ग्रसा जा सकता। वारिदानम न गम्यम मेघों के द्वारा छिपाने के भी अयोग्य। अनल्प कांति अधिक कांति वाला और जगत यानी संसार। उसके बाद विद्योदय जगत पूर्व, विद्योदय यानी प्रकाशित करने वाला, तव यानी आपका, शशांक बिंबम यानी अपूर्व चंद्रमंडल,
विभ्राजते यानी शोभित होता है। मुखाब्ज यानी मुख कमल रूपी। एनिमेशन देखेंगे। एनिमेशन देख लिए, इसमें देखिए सूर्य चंद्रमा भी दिख रहे हैं आपको, राहु भी दिख रहा है। अद्भुत मुखचंद्र की वर्णन यहाँ पर चंद्रमा से की जा रही है। कल हमने 17th नंबर श्लोका देखा था, थोड़ी सी अभिन्नता, थोड़ी सी इसमें भिन्नता हमें दिखती है 17 नंबर श्लोक और 18 नंबर श्लोक। कल हमने 17 नंबर श्लोक में सूर्य की उपमा देखी थी और आज चंद्र की तुलना देख रहे हैं। कल 17 नंबर श्लोक में अस्त नहीं होने को कहा था कि जो केवल ज्ञान रूपी मार्तंड है, वो कहा था कि अस्त नहीं होता, अस्त नहीं होने को कहा था। लेकिन आज 18 नंबर में थोड़ा कुछ अलग ही कह दिया, यहाँ कह दिया कि नित्य उदित रहने का, क्या कह दिया, नित्य उदित रहने वाला मुखमंडल। कल तो कभी केवल ज्ञान अस्त नहीं हो सकता और आज हमेशा उदित रहने वाला, बात तो दोनों एक ही, जो अस्त नहीं रहेगा, नस्त नहीं होगा तो उदित तो होगा ही। लेकिन उसको सूर्य और चंद्र के साथ तुलना करके इतना सुंदर दो श्लोक में बताया और आगे दोनों की तुलना करके उसको भी फीका कर देंगे मानतुंग जी 19 नंबर में। 17, 18 और 19 सूर्य चंद्र और फिर 19 में दोनों भी फीके पड़ जाते हैं, दोनों की लालिमा केवल ज्ञान की समीक्ष। तीन श्लोक बहुत सुंदर सूर्य चंद्रमा को लेके बताए हुए हैं और अभी तो मौसम चंद्रमा का ही चलना है। शीतलता प्रदान करता है चंद्रमा हमें, ग्रीष्मकालीन में चंद्रमा की बहुत महत्ता है और यह जो चंद्रमा है ये मन में स्थित रहता है, इसका जो स्थान है वो मन में इसका स्थान है चंद्रमा का, क्योंकि मन की शांति बहुत जरूरी है। यहाँ पर कह रहा है, हे भगवान आपका मुख कमल कैसा है, अपूर्व चंद्रमा के समान। क्या कह रहे हैं मानतुंग जी, बहुत ही सुंदरता से इसका वर्णन कर रहे हैं कि आपका मुख कमल चंद्रमा के समान है। हमें भरोसा नहीं, ध्यान रखना कि भक्त का कभी भरोसा नहीं होता कि वो भगवान की तुलना, भगवान की स्तुति किस किस उपमाओं से कब कब और कैसे कर दे, भगवान की स्तुति कब कब कैसे उपमा और कैसे उदाहरण से कर दे, इसका भरोसा नहीं है। कौन सी श्रेष्ठ वस्तु दुनिया की जिसकी उपमा उनको देने लगे और वो अनुपेम होने लगे। स्वयं हम देख रहे हैं, कभी दीपक से, कभी सूर्य से, कभी सुमेरु पर्वत से, आज अपूर्व चंद्र से चंद्रमा की उपमा दे दी। लेकिन क्या कह रहे हैं, कैसे चंद्रमा है आप, नित्योदयम दलित मोह महांधकार, कैसे चंद्रमा की बात कर दी कि अनंत काल तक उदय रहने वाला चंद्र बिंबु
कल कह रहे थे कि नास्तम कदाचिदुपयांसि, यानी आप ऐसे अतिशय युक्त सूर्य हो कि कभी अस्त नहीं हो सकते, नास्तम ना अस्त। कल सनास्तम कदाचित था 17 नंबर, कल कह दिया कि नास्तम यानी आप अस्त नहीं हो सकते, और आज कह रहे हैं अपूर्व चंद्र हमेशा उदित रहने वाले। आज का काव्य पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि कल के काव्य में और आज के काव्य में कुछ विशेष विशेषता आचार्य महाराज ने बताई है। दलित मोह महांधकार, कुछ विशेष ही लग रहा है आज का और कल का जब हम मिलाते हैं तो। मोह रूपी महाअंधकार को नष्ट करने वाला आज जो केवल ज्ञान की चर्चा, उसको आज हम देखेंगे। मुखाब्ज, मुखाब्ज यानी मुख कमल की चर्चा, मुख कमल की चर्चा क्यों करी गई है, आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ध्यान करिए, मैंने बहुत बार आपको ध्यान करवाया है। मुख कमल में अष्ट कमल को विराजमान कर, अष्ट पंखुड़ियों के कमल को विराजमान कर अष्ट कर्म को नष्ट कर अष्टगुण की प्राप्ति कराई है। कई बार कराया है, आप थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको आ जाएगा कि मुख कमल में मैंने कई बार आप लोगों का कमल विराजमान किया है, मुख कमल में, हृदय कमल में और नाभि कमल में। सीधा सीधा केवल ज्ञान न कहकर मानतुंग जी ने मुख कमल कह दिया। क्या कह दिया? मुख कमल, जो अष्टपंखुड़ियों वाला कमल होता है, क्योंकि यहां इस काव्य में चंद्रमा से उपमा करते करते क्या कह रहा है कि चंद्रमा दिन में अस्त हो जाता है पर आपका मुख चंद्र हमेशा उदित रहता है। चंद्रमा सिर्फ अंधकार को नष्ट करता है पर आपका मुख चंद्र मोह रूपी अंधकार को भी नष्ट कर देता है। चंद्रमा राहु के द्वारा घसा जाता है पर आपका मुख चंद्र राहु नहीं ग्रस सकता। चंद्रमा को बादल छिपा लेते हैं पर आपके मुख चंद्र को बादल छिपा भी नहीं सकता। चंद्रमा की कांति हमेशा बढ़ती बढ़ती रहती है और चंद्रमा सिर्फ मध्य आपके जो मुख को कमल रूपी चंद्रमा है उसकी कांति हमेशा बढ़ती रहती है। चंद्रमा तो सिर्फ मध्य लोक को प्रकाशित करता है पर आपका मुख चंद्र जो है यह तीनों लोकों को प्रकाशित करता है। आपका मुख चंद्र तीनों लोक को प्रकाशित करने वाला है। मोक्ष का मार्ग है, आपका मुख चंद्र क्या है? मोक्ष का मार्ग है, स्वपर प्रकाशक है। और मोक्ष मार्ग कैसा है? मोक्ष मार्ग वन वे है, कोई हाईवे नहीं है, कभी भी चले जाओ कभी भी आ जाओ। मोक्ष मार्ग वन वे है, वहां सिर्फ जाना ही जाना लिखा है, आना नहीं लिखा है, वहां कोई दूसरा बायपास नहीं है जो आप आ जाओगे। एक बार मोक्ष मार्ग गए तो वहां लौट के आने का कोई काम नहीं है। एक बार आपको केवल ज्ञान हो गया सो हो गया, अब वापस अवतार नहीं होना है इस संसार में आपका। हमारा जैन दर्शन अवतारवादी नहीं है। अकेला जो ज्ञान है वो केवल ज्ञान है, बाकी हमने कई बार बताया कि चार ज्ञान एक साथ रह सकते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान, तीनों काम्बो मिला लो, मति श्रुत अवधि मन पर्याय काम्बो भी हो सकते हैं। बट जो केवल ज्ञान है वो अकेला ही रहता है। पांचवा जो ज्ञान है वो अकेला ही रहता है, वो किसी के साथ मिलता नहीं है। दलित मोह महांधकार, मोह को नष्ट करके सभी कर्मों में सबसे भयानक कर्म जो है तो वो मोहनी कर्म है, उसलिए पहले उसको नष्ट करना पड़ता है। यह मोह बड़ा मीठा और बड़ा धोखेबाज मित्र है। ये मोह कैसा है?
बड़ा मीठा और धोखेबाज मित्र है। यदि आपका मित्र आपको धोखा दे दे तो क्या आप उसे पसंद करते हैं? नहीं ना। इसी प्रकार ये धोखेबाज मित्र को तुरंत निग्लेक्ट कर देते हो तो अच्छी बात है। जिस प्रकार हम धोखेबाज मित्र को निग्लेक्ट कर देते हैं, उसी प्रकार ये मोहनी जो कर्म है ये भी हमारा धोखेबाज मित्र है, इसको निग्लेक्ट करना होगा, यानी अपने पास से हटा दो, इसकी सत्संगति मत करो। अच्छे मित्रों की सत्संगति करो, जो बुरे मित्र रहते अपन उसको हटा देते। इसी प्रकार मोहनी कर्म भी हमारा धोखेबाज मित्र है। यदि एक बार बंद गया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर की इसकी आयु है सबसे ज्यादा। धोखेबाज मोह मित्र जिसका सारे संसार में वर्चस्व है, राज्य चलता है, अनादि काल से आपको धोखा ही दिया जा रहा है, जीवन में पग पग पर धोखा दे रहा है, एक भी भाव में नहीं अनंत भाव में धोखा देकर आपको भटका रहा है, लेकिन फिर भी हम आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ध्यान रखना भैया, इस मोह मित्र से आप अनादि काल से धोखा खाते हुए भटक रहे हो। आज पुनः इस भौतिकता की चकाचौंध में आप संसार के उन अध्रुव वस्तुओं में सुख खोज रहे हो जिसमें सुख है ही नहीं। अध्रुव वस्तु के प्रति मोह करके हम हमारे सच्चे आत्मस्वरूप का भान ही नहीं कर रहे हैं। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। बहुत ही अच्छी लाइन छेड़ाला में, बहुत ही अच्छा छेड़ाला ग्रंथ है, लघु समयसार जिसे कहा जाता है। दौलत राम जी ने कह दिया, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। मोह का महामद कह दिया, मोह को महामद, मद भी नहीं महामद। कैसा महामद है ये मोहनी कर्म? जैसे तलवार में लिपटी शहद की तरह, तलवार में शहद लपटा है तो चाटने को हो रहे हो आप, आपने चाट लिए सूखी भांति, लेकिन उसी को बार बार चाटते हुए आपकी जीभ कट गई तो क्या हुआ? दुख हुआ ना। मोह महामद अनादि से पीते आ रहे हो हम, महामद कह दिया। ध्यान रखना, मादक पदार्थ जो होते हैं वो मद उत्पन्न कराने वाले होते हैं, उन्हें सेवन करके जीव अपने स्वभाव से च्युत हो जाता है। मादक पदार्थों का जो नशा होता है वो वास्तविक स्वरूप को भुला देता है। 24 घंटे, 2-3 दिन और कोई उच्च स्तर की अधिक नशे वाली मदिरा होती है उसका नशा 15-20 दिन तक महा तक रहता है। इसके अलावा एक चंद्रदास मदिरा होती है उसका नशा 6 महीने तक रहता है। एक व्यक्ति यदि एक बार चंद्रहास मदिरा का पान कर ले तो वो 6 महीने तक नशे में रहता है। उसे अपने स्वरूप का भान नहीं रहता, मैं कौन हूं। अनादि से हम मोहनी कर्म के वश में चले आ रहे हैं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। जो सच्चा सुख है वो कहाँ है? आकुलता शिव माहिनता ते शिव मग लागो चाहिए, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए। बहुत ही अच्छी छेड़ाला में लाइन है जिसे लघु समयसार कहा जाता है। हमें वो आकुलता रहित आत्मा का भान करना है। ओहो, यह पावन मनुष्य पर्याय जहां से अनंता नंत को प्राप्त कर सकते हैं वह मुझे अहो भाग्य से प्राप्त हुई। अब एक के चक्कर में अनंत और अपनी अनंतता को मत खो देना। तुम्हारी अनंतता तभी उद्घाटित होंगी जब सम्यक तो आपका सुरक्षित होगा, और सम्यक तो सुरक्षित तभी होगा जब आप अपनी दृष्टि को
थोड़ा सा यू टर्न कर लेंगे, क्या करेंगे दृष्टि को यू टर्न कर लीजिए, अपने आप से निकलकर थोड़ा यू टर्न करेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, अपने हृदय में आ जाएंगे और सम और विशाल बन जाएंगे। थोड़ा सा यू टर्न करिए और अपने अंदर आ जाइए। ध्यान रखना, विशाल बनने के लिए कोई ईंट गारे की आवश्यकता नहीं है कि विशाल महल खड़ा कर दो आप। तुम्हारा दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ आस्था, इसकी जरूरत है विशाल बनने के लिए। हमें विशाल बनना है। वो कैसे बनेंगे? जब हम हमारे अंदर में आत्मा में प्रवेश करेंगे तभी हम बन सकते हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी जी मोहिनी कर्म के क्षय होने का जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ है वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, अप्रतिचक्र है वो। नहीं उस परम शुद्ध असहाय ज्ञान को, चंद्र विमान को ग्रसने वाला कोई राहु ग्रस सकता है, न कोई मोह के सघन बादल उसे ढक सकते हैं। राहु विमान के ध्वज दंड से चार अंगुल प्रमाण ऊपर चंद्रमा का विमान है। राहु विमान के ध्वज दंड से चार अंगुल ऊपर प्रमाण चंद्रमा का विमान है, जो गमन करता हुआ चंद्र विमान को ढक लेता है। सूर्य के समान चंद्रमा की भी 12,000 किरणें होती है, जो अत्यंत शीतल, क्योंकि चंद्रमा का उद्योत नाम का कर्म का उदय होता है। चंद्रमा की चांदनी जैसे शीतल होती है उद्योत, ऐसे ही है चंद्रमा का वर्णन। थोड़ा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज बात इसमें चंद्रमा की आई है। चंद्र विमान चित्रा पृथ्वी से 880 योजन ऊपर जाकर सेमरु जो सुमेरु पर्वत है उससे 1121 योजन दूर रहकर उसकी प्रदक्षिणा लगाता है। इस जम्मू द्वीप में जो ढाई द्वीप हमारा चल रहा है अभी नंदीश्वर द्वीप की भी यात्रा, तो उसमें दो चंद्रमा है, जिसमें से एक चंद्रमा का परिवार में जो है, चंद्रमा का एक परिवार है उसमें दो सूर्य, 88 ग्रह, 28 नक्षत्र और 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे। कितने तारे हैं चंद्रमा के परिवार में? 66,975 कोड़ा कोड़ी तारे है। सूर्य देव के समान चंद्र देव की भी चार पट्ट देवियां होती है, जिनके नाम है चंद्रप्रभा, प्रभाकरा, सुसीमा और अर्चमालिनी। प्रत्येक देवी की 4,000 देवियां और चंद्र विमान के चारों दिशाओं में सूर्य के ही समान 4,000 अभियोग्य जाति के वाहक देव रहते हैं। प्रत्येक देवी 4,000 परिवार उनके होते हैं पूरे देवियों के। चंद्रमा सूर्य से 80 योजन ऊपर जाकर विराजमान है और हम लोग क्या कहते हैं, मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच गया। कैसे पॉसिबल है? आज विज्ञान भी कह रहा है कि मनुष्य चंद्रमा पर चले गया। ध्यान रखना, मनुष्य चंद्रमा पर पहुंच नहीं सकता, चाहे कल्पना जैन गई हो या आज तक सुनीता विलियम गई हो, क्योंकि चित्रा पृथ्वी से 790 योजन पर जाकर तो तारे हैं। जो हमारी चित्रा पृथ्वी है उसके ऊपर हमारा मध्य लोक है ना, तो यहाँ से 790 योजन और एक योजन 6,000 किलोमीटर का, मैं आपको डेली बता रही हूँ, 790 योजन पर जाकर तारे हैं और उन तारों से 10 योजन ऊपर जाकर सूर्य है। पहले सूर्य पड़ता है रास्ते में और उसके सूर्य से भी ऊपर आप जाओगे तो 80 योजन ऊपर जाकर चंद्रमा है। तो जिसको चंद्रमा पे जाना है तो उसको सूर्य को लांग के जाना पड़ेगा। और सोचिए आप कि सूर्य को लांग के कौन जा सकता है? चंद्रमा तक पहुंचने के लिए सूर्य को पार करना ही पड़ेगा, जहां चंद्रदेव अपने परिकर के साथ निवास करता है। जहां चंद्रदेव अपने पूरे परिकर के साथ निवास करता है वहां तक पहुंचना शक्य ही नहीं है। सूर्य से भी ऊपर चंद्र है। इस प्रकार से जो ज्योतिष देवों का इंद्र है वो चंद्रमा से भगवान के मुख की तुलना कर रहे हैं। भगवान के मुख की तुलना कर रहे हैं ज्योतिष देवों का जो इंद्र है। आकाश का चंद्रमा तो राहु के द्वारा घस लिया जाता है
परंतु भगवान का मुख चंद्र ग्रसने के सामर्थ्य किसी में नहीं है। न वारिदानम, चंद्र बिंब तो मेघों से भी आच्छादित नहीं होता। इस प्रकार से आचार्य भग्र ने यहाँ पर चंद्रमा से तुलना की है। 48 कोठरियों के अंदर बंधन में बैठे हुए हैं, परंतु मन बंधन में नहीं है। वह तो अपने आराध्य की आराधना करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तन भले ही कारागार में है, पर मन पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर भगवान के समोसन में विराजमान है। उनका मन भगवान ने मोहनी कर्म को दलित यानी नष्ट करने करके परम ज्योति को प्राप्त कर लिया, जो तीनों लोक को प्रकाशित कर रही है। भगवान के मुख चंद्र का दर्शन करके हमारे अंदर भी मोह रूपी अंधकार का नाश हो जाता है, और हम करेंगे तो होगा। उस आकाश से चंद्रमा में भले ही 12000 किरण निकल रही है, परंतु आपके मुख की कांति इतनी विलक्षण है, आपके मुख की कांति कि उसके प्रकाश के समक्ष चंद्र और सूर्य बिंब समोसरण में दृष्टि गोचर ही नहीं होते। इतना प्रकाश है मुखमंडल में। हे तीनों लोक के नाथ जगतपति, जिस चंद्रमा से आपकी तुलना करने के लिए उद्यत हुआ हूं, उस चंद्रमा में तो दोष ही दोष है। मानतुंग जी कह रहे हैं, नित्य उदित नहीं रहता, अंधकार का नाश करता है, संपूर्ण अंधकार का नाश नहीं करता, राहु के द्वारा ग्रसा जाता है, पयोधरों के द्वारा आच्छादित किया जाता है, कलाओं के घटने से उसकी कांति हीन हो जाता है, परंतु आपका मुख रूपी अतिशय चंद्र बिंब जो है वो पूर्ण निर्दोष है। चंद्रमा में भी तो हम कहते कालिक है, लेकिन आपका मुखमंडल पूर्ण निर्दोष है। चंद्रमा से उपमा करते करते पूर्ण शीतलता को ही प्राप्त कर लिए आचार्य मानतुंग जी ने। इस काव्य को जो 3 दिन तक अखंड रूप से रिद्धि मंत्र के सहित पाठ करता है, वो मंत्र अपने अंदर समाहित कर लेता है। बहुत पावरफुल श्लोक 18 नंबर हमारे जो अष्ट कर्म रूपी शत्रु है उनको नष्ट करने में सहायक। इस काव्य की आराधना करने वाला भव्य महान रिद्धियों का समीचीन विद्या का अधिकारी भी बन जाता है, यदि सही से करे तो। तीनों लोक में जिन धर्म का महान है, जिसके प्रसाद से जीव अपनी विशुद्धि के द्वारा आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, अपने वन वे मोक्ष मार्ग को वो प्राप्त कर लेता है। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभूतारं, क्या कहा है उमा स्वामी ने, मोक्ष के नेता बनो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं, मोक्ष के नेता आप बन जाओगे। इस प्रकार से हमने चंद्रमा की उपमा से परम आत्म सिद्धि के मार्ग को ढूंढा, समझा, और अज्ञान का नाश कर अनंत ज्ञान की प्राप्ति सभी को होए, मोह रूपी अंधकार सभी का नष्ट हो, इसी भावों के साथ आज के 18 नंबर श्लोक की आराधना को हम यही विराम देते हुए आगे मंत्रों की ओर हम चलेंगे। ओम नमो भगवते जय विजय, मोहे मोहे स्तंभ स्तंभ स्वाहा। ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाय, परम रिद्धि प्राप्ति जय कराय, राम ह्रीम क्रोम श्रीम नमः। ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय, यम 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 शूर विध्वंसनाय नमः, क्लीम ह्रीम नमः। ओम नमो भगवते जय विजय, मोहे मोहे स्तंभे स्तंभे स्वाहा। क्या कह रहे हैं यहाँ पर मंत्रों में, भगवान को नमस्कार करते हुए यहाँ कहा जा रहा है जय विजय मोहे मोहे। जिसने मोहनी कर्म पर विजय प्राप्त कर ली, स्तंभे स्तंभे जिसने मोहनी कर्म को रोक दिया, उनके चरणों में हम अपने आप को सहा कर रहे हैं।
जिन्होंने मोहनी कर्म को स्वाहा कर दिया, ऐसे हमारे भगवान, और जिन्होंने ओम नमो शास्त्र ज्ञान बोधनाए, जिन्हें द्वादशांग संपूर्ण द्वादशांग जिनवानी का ज्ञान है, बोध है, उन्होंने परम रिद्धि प्राप्ति जय कराए। परम रिद्धि यानी परम रिद्धि कौन सी होती है? केवल ज्ञान रूपी रिद्धि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया, वो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश जो नित्य उदित रहने वाला मोहंधकार का नष्ट करने वाला, वो परम रिद्धि प्राप्ति जय कराए जिनने कर ली, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, ऐसे अरहंत भगवान जिन्होंने द्वादशांग का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन्हें यहाँ नमस्कार किया गया। अरहंत भगवान, सिद्ध भगवान, चौबीस तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान, ओम नमो भगवते शत्रु सैन्य निवारणाय, यम 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 शूर विध्वंसनाय नमा, क्लीम भीम नमा। शूर जो अष्टकर्म हमेशा उपद्रव कर रहे हैं, उनका विध्वंस करने के लिए जो हमारे अनादि से शत्रु बने हुए हैं, हमारे 84 लाख योनि में हमें भव भ्रमण करा रहे हैं, जो हमें धोखा दे रहे हैं अनादि से, वो अष्टकर्म, वो शत्रु की सेना, अष्टकर्म रूपी सेना, उसका निवारण करने के लिए हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, और आपके दर्शन कर हम भी अष्ट कर्म को नष्ट कर अष्ट गुणों की प्राप्ति करने का सोच रहे हैं और करेंगे। इस प्रकार से इस मंत्र में बताया है, अष्ट कर्म रूपी शीतलता हमारे अंदर भी, अष्ट कर्म नष्ट होकर अष्ट गुण रूपी शीतलता हमारे अंदर भी उदित हो जाए, जो कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ओम रीम रम नमो वियुन अट्ठी पत्तानम झोम झोम नमा स्वाहा। कर्मों को हमने रोक दिए स्तंभ स्तंभ, और अब आगे आ गया कि वियुन अट्ठी पत्तानम, वियुन अट्ठी पत्तानम यानी वियुन यानी विक्रिया रिद्धिधारी जिनों को नमस्कार किया गया है, जो विक्रिया रिद्धि है ना, 11 प्रकार की विक्रिया रिद्धि होती है, अनिमा महिमा लगिमा आदि 11 प्रकार की। आप लोगों ने रामायण महाभारत में देखा है कि जो हनुमान जी रहते कभी बैठ के कभी खड़े होके कभी सो के आकाश में विचरण करते हैं, कभी अपना शरीर छोटा बनाते हैं, कभी बड़ा बनाते, कभी मोटा बनाते, कभी पतला बनाते, तो ये जो चीजें है छोटा मोटा अनिमा महिमा लगिमा छोटे बनाओ बड़े बनाओ, ये सब चीजें विक्रिया रिद्धि से आती है। तो ऐसे विक्रिया रिद्धिधारी जिनों को यहाँ नमस्कार किया गया है, जो दलित मोह महांधकारम जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करते, इस प्रकार से हमने श्लोक मंत्र रिद्धि के अर्घ देखे। अब आगे हमें चलना है 56 अर्घ की ओर। हमें 56 अर्घ इसके जो मेन श्लोक के बीजाक्षर है प र ह और द, श्लोक के जो बीजाक्षर है मेन प र ह और द, आगे अब हम चलते हैं, हमारे 56 अर्घ चढ़ाना है हमें। सभी लोग रेडी हो जाइए, बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। हाथ में लौंग इलायची बादाम जो भी जो चढ़ा रहे हो, चावल तो सबके यहाँ रहता ही है, कुछ नहीं तो 56 अर्घ हम चढ़ाएंगे 2688 में से 56 अर्घ प्रतिदिन हम चढ़ा रहे हैं, हमारे भी अष्टकर्म नष्ट हो, इसी भावना के साथ हम 2688 बीज मंत्रों का विधान कर रहे हैं, जिसमें 18 नंबर श्लोक के 56 अर्घ आज हम चढ़ाने वाले हैं। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय।
मोह महात्म दलने वाला सदा उदय रहने वाला रावण बादल से दबता है सदा स्वच्छ रहने वाला विश्व प्रकाशक मुख सरोज तव अधिक कांतिमय शांति स्वरूप है उपूर्वज है अपूर्व जग का शशि मंडल जगत शिरोमणि शिव का दू ओम ह्रीम रम नीबीजाक्षता शिव शबना जिनेन्द्राय अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम तो बीजाक्षता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम द बीजाक्षता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम यम बीजाक्षता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम द बीजाक्षता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ली बीजाक्षता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम त बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम मो बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ह बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम म बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम हान बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ध बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम का बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम रम बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ग बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम मम बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम न बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम रा बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम हु बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ब बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम द बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम न बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम श बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम न बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम वा बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम री बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम दा बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम नाम बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम वी बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम भा बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ज बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ते बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम त बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ब बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम मु बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम खा बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम बज बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम म बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम न बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ल बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम का बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ती बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा वी बीजाक्ष संहिता ओम ह्रीम रम वी बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम दो बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम त बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम यज बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ज बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा ओम ह्रीम रम ग बीजाक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्र अर्घम निरपामिति स्वाहा
ओम ह्रीमरम द विचक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम पूर्व विचक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम व विचक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम स विचक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम शाम विचक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम क विजक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम बिम विजक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। ओम ह्रीमरम बम विजक्ष संहिता शिव शबना जिनेन्द्रगम निरपामिति स्वाहा। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। मान तुंग स्वामी जी की जय जय जय। हम विजाक्षर की जाप करेंगे। माला ले लीजिए सभी लोग। शत्रु को नष्ट करने के लिए जो हमारे अष्ट कर्म रूपी शत्रु जो हमें पीड़ा पहुंचाते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए बम यम बम काम्बो तीन अक्षर का बम यम बम येलो कलर की माला सम्यक दर्शनाय नमः सम्यक ज्ञानाय नमः सम्यक चैत्राय नमो नमः। वम यम वम वम यम मम 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 बम 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 यम मम वम यम वम 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 वम यम मम 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 वम यम बम वम यम बम वम यम मम 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 वम यम मम
वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम मम वम यम वम वम यम मम 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 वम यम वम वम यम मम 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 मम यम मम वम 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 यम मम सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चैत्राय नमो नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चलिए अब चलते हैं हम हमारे नंदीश्वर दीप की यात्रा के लिए। सब तैयार हो जाइए अष्टानिका महापर्व में। बोलिए अष्टानिका महापर्व की जय। आज छठा दिन, समझ में नहीं आता, पता नहीं चलता दिन कैसे चले जाते हैं। आज की जो जाप है ओम भीम स्वर्ग सोपान संगाय नमः की जाप के साथ हम नंदीश्वर दीप की यात्रा प्रारंभ करेंगे। प्रतिदिन हम इस चीज को समझ रहे हैं कि हम कहाँ हैं, जिस ढाई दीप में हम हैं वो कैसा है, और जहाँ चारों निकाय के देव जाके इतनी भक्ति कर रहे हैं वो नंदीश्वर दीप भी कहाँ है और कैसा है। प्रतिदिन ही हम इसको समझ रहे हैं एक नंदीश्वर दीप की यात्रा के माध्यम से हम इसे समझ रहे हैं। आपके सामने आप नंदीश्वर दीप की रचना कर लेंगे। हम वहां जा नहीं सकते मनुष्य लोग, लेकिन हम स्थापना करके पूजा अर्चना भावों से निश्चित ही कर सकते हैं। तो हम पूजा करके भावों से भक्ति जरूर करेंगे वहां की। देखिए स्वर्ग से चारों देव, चारों निकाय के देव तैयारी कर रहे हैं नंदीश्वर दीप में भक्ति करने के लिए तैयार। पूरा स्वर्ग लोक खाली हो जाता है, और जब हम निकलते हैं तो घर से एक जाप करके निकले तो बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए एक जाप के साथ हम इसको प्रारंभ करेंगे। ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संगाय नमः। 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 ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संगाय नमः।
ओम ह्रीम स्वर्ग सोपान संगाए नमः। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, नंदीश्वर दीप की जय, अष्टानिका महापर्व की जय। जय जय। चलिए तैयार रेडी एकदम, अच्छे अच्छे वस्त्र मुकुट मणि सब पहन के एकदम रेडी हो चुके हैं। नाचते बाते गाते अति उल्लासित मन से हमें ये यात्रा करना है, जहां हम 52 जिन मंदिर में 108 108 प्रतिमाएं जो विराजमान है, उन अकृत्रिम जिन चैत्यालय के हम दर्शन करने के लिए आह्लादित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं, और अब आप अति उत्साह के साथ नाचते गाते बजाते हुए निकल रहे हैं यात्रा पे। चुके हो नंदीश्वर दीप जो कि 8वां दीप है, 7 समुद्र 7 लैंड पार करके 8वें लैंड पे आप पहुंचे हो नंदीश्वर दीप, जहां है जो 163 करोड़ 84 लाख योजन का विस्तार वाला और 84,000 योजन के हाइट वाला, उसकी डेप्थ 1,000 योजन और ढोल के समान पूरे पर्वत वहां बने हुए हैं, वहां आप पहुंच चुके हो। आहा, कितना स्वर्णिम दृश्य आप देखते ही देखते मन विभोर आह्लादित आपका मन हो रहा है, और भक्ति करने के लिए अब आप चल रहे हो 4 अंजनगिरी पर्वत की ओर आप चल रहे हो। आपको 4 काले कलर के, ये देखिए आपने रचना की है, उसमें 4 काले कलर के अंजनगिरी पर्वत आपको चारों दिशाओं में दिख रहे हैं। चारों निकाय के देव अब अपना अपना स्थान ग्रहण करने के लिए तैयार है। पूरब में कल्पवासी देव, दक्षिण में भवनवासी देव, पश्चिम में वेंदरवासी देव और उत्तर में ज्योतिषी देव अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। फिर 6-6 घंटे में स्थान बदल बदल कर 24 घंटे तक भक्ति चलेंगी। दिन रात का कोई भेद नहीं है। और अब आप 4 अंजनगिरी पर्वत पे 4 अकृत्रिम जिन चैत्यालय
काले कलर के पर्वत उसके ऊपर अकृत्रिम जिन चेतल है, कृत्रिम यानी मनुष्य बनाता है, अकृत्रिम यानी किसी ने बनाया नहीं है, और उस मंदिर के अंदर अब आप प्रवेश कर रहे हो, सारे देव लोग प्रवेश कर रहे हैं। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप प्रवेश कर चुके। क्या सुंदर प्रतिमाएं है, 108 प्रतिमाएं, 500 धनुष काया वाली पद्मासन प्रतिमाएं, अकृत्रिम जो अपने आप बनी हुई है, ऐसी शाश्वत प्रतिमाओं के दर्शन आप कर रहे हो। स्फटिक मणि के समान स्वच्छ सुंदर साफ, जिसके दर्शन मात्र से आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, ऐसे अकृत्रिम जिन चैतालयों में आप 108 प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं। ये सुंदर दृश्य आपके समक्ष, इतनी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं जिनके आप दर्शन कर रहे हो, और अब आपका मन अष्ट द्रव्य को सजाकर पूजा करने का हो रहा है। थालियां सज रही है अष्ट द्रव्य की, बड़ी बड़ी सोने की थाल सज रही है, रत्नों के दीपक लग रहे हैं, और अब आपका मन आह्लादित हो रहा है पूजा करने के लिए, क्योंकि सभी पर्व में सबसे बड़ा कोई पर्व है तो वो अष्टानिका महापर्व है। देखिए अब आप पूजा करने के लिए तैयार, आपके सामने अष्टद्रव्य की थाली तैयार है। इतनी विशालकाय प्रतिमा के जिन मंदिरों में है वहां द्रव्य सोचिए कैसे होंगे, वो अष्टद्रव्य को सोचिए कैसे होंगे। देखिए ओम ग्रीम श्री नंदीश्वर द्वीपे द्वीपचाश जनालय। अवतर अवतर अत्र अवतर अवतर सवोषत आह्वानम। जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचास जिनालयस्थ जिन प्रतिमा समूह अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नीतो भव भवसत सन्निधि करणम। जय हो जय हो जय हो। आपने स्थापना कर ली, जल चंदन अक्षत भी आपको चढ़ाना है। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशु दीप पंचाश जिनालयस्थ जिन प्रतिमाभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति स्वाहा।
ओम रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल जिनाल स्थिन पति मोबलो संसाता प्रणाशनाय चंदनम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल जिनाल स्थिन पति मोबलो अक्षपत प्राप्ता अक्षताम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल पंचाल जिनाल स्थिन पति मोबलो काम बाम विदुषनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल जिनालस्थ जिन प्रतिमोभ्य सुदारो गुणाशना नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल जिनालस्थ जिन प्रतिमोभ्य मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ओम रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल जिनालस्थ जिन प्रतिमोभ्य अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल जिनालस्थ जिन प्रतिमोभ्यो मोक्ष फल प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे दीप पंचाल जिनालस्थ जिन प्रतिमोभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। आपने रतिकर पर्वत पर पूजा की, अंजनगिरी पर्वत पर पूजा की और आगे अब आप चल रहे हैं दधिमुख पर्वत पर चलना है हमें, जहां पर 16 अकृत्रिम जिन चैत्यालय काले जो अंजनगिरी की पर्वत है उसके बाजू में 4 दधिमुख यानी सफेद कलर के 4 पर्वत दधिमुख यानी दूध के समान सफेद स्वच्छ सुंदर पर्वत और उसके ऊपर अकृत्रिम जिन चैत्यालय और उसके अंदर एक एक 108 108 एक एक अकृत्रिम जिन चित्तालय में 108 108 प्रतिबिंब जिनके दर्शन हम करने के लिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कार्तिक फाल्गुन साढ़ के अंत 8 दिन माही नंदीश्वर सुरजात है हम पूजे ठाई 163 कोटि जो जन महा लाख चौरासिया एक दिश में लहा 8 दीप नंदीश्वरम भास्वरम भोन 52 प्रतिमा नमो सुख करम 4 दिशी 4 अंजन गिरी राजही सहस चौरासिया एक दिश छाजही ढोल सम गोल ऊपर तले सुंदरम भोन 52 प्रतिमा नमो सुख करम एक एक 4 दिशी 4 शुभ बावरी एक एक लाख जो जन अमल जल भरी 14 4 वन लाख जो जन वरम भोन 52 प्रतिमा नमो सुख करम 16 पिन मदी सोल गिरी दधि मुखम 16 महा जो जन लगत ही सुखम बावरी कौन दो माही दो रति करम। अब आ गए हैं आप दधिमुख पर्वत पर जहां पर 16 16 एक एक दिशा में अकृत्रिम जिन चैत्यालय है और वहां बावड़ी भी है 16 वापिन भी है वन भी है। आप अंदर प्रवेश कर रहे पूजा अर्चना कर रहे प्रभु के दर्शन कर रहे और देख रहे हैं मनोहर प्रतिमा वो सबसे स्वच्छ सुंदर भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा जहां आप जयमाला आदि पढ़ रहे हैं पूजा पाठ कर रहे हैं कितनी सुंदर प्रतिमा आपके समक्ष निरखो अंग अंग जिन वर के जिन से झल के शांति अपार निरखो अंग अंग जिन वर के जिन से झल के शांति अपार चरण कमल जिन वर कहे घूमा सब संसार पर दुख में गति चार में निज आत्म तत्व ही सार या ते पद्मासन विराजे जिन वर जिन से झलके शांति अपार या ते पद्मासन विराजे जिन वर झलके शांति अपार। इतनी शांति झलक रही है
वो शीतलता हमारे अंदर प्रवेश कर चुकी। दधिमुख सोला पर पर्वत पर सोला अकृत्रिम सफेद चैत्यालय सफेद पर्वत पर अकृत्रिम जिन चैत्यालय 10,000 योजन की हाइट वाले हमने दर्शन किए और आगे हम चले गए। अब धीरे से रतिकर पर्वत पर जो 16 वापीण आपको दिख रही है 16 वर्ण उसके कोने में एक एक कोने में दो दो रतिकर पर्वत है यानी एक दिशा में 8 रतिकर पर्वत हो गए। एक दिशा में 8 यानी चारों दिशाओं में 32 रतिकर पर्वत और 32 लाल कलर के रतिकर पर्वत है और इन लाल कलर के रतिकर पर्वत पे जो अकृत्रिम जिन चैत्यालय है उनके दर्शन अब हम कर रहे हैं। अकृत्रिम जिन चैत्यालय के दर्शन लाल कलर के ये देख रहे हो आप रतिकर पर्वत लाल कलर के ये देखिए यहाँ आप पहुँच चुके हो और 108 एक एक इसमें 108 108 प्रतिमाओं के दर्शन आप कर रहे हैं। बावरी कौन दो माही दो रतिकरम शैल 32 एक सहस जो जन कहे 400 ले मिले सर्व 52 लहे एक एक शीश पर एक जिन मंदिरम भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम बिंब 8 100 रतन मई सोहे ही देव देवी सरब नयन मन मोहे 500 धनुष तन पद्मासन परम भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है श्याम रंग भोह सिर केश छवि देत है वचन बोल तम मनो हसत कालुष हरम भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम कोटि शशि भानुदिति तेज छिप जात है कोटि कोटि सूर्य का भी तेज जहाँ छिप जाता है महावैराग्य परिणाम ठहरात है जो हमारे वैराग्य को पुष्ट करता है वैन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म भौन 52 प्रतिमा नमो सुख करम महार्घ सभी लोग हाथ में ले लेंगे। ओम ह्रीम श्री नंदीश्वर दीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशो दीप पंचाश जिनालस जिन प्रतिमाभ्यो अणघ प्राप्त पूर्णार्घम निरपामिति स्वाहा। रतिकर पर्वत पर आकर पूर्ण अर्घ आप चढ़ा चुके हैं और आपने 5,616 108 करेंगे आप 52 × 108 तो आपको 5,616 प्रतिमाओं के दर्शन आज हो चुके हैं। इंटू कर लीजिए 52 × 108 5,616 प्रतिमाओं के दर्शन आपने कर लिए वो संख्या गड़बड़ आ रही थी रोज 5,616 500 धनुष हाइट वाली काया और स्फटिक मणि की प्रतिमाओं के दर्शन आप कर रहे हो अष्टानिका महापर्व में और दर्शन करते करते ही आपके भी भक्ति के लिए कदम थरथरा रहे हैं आपसे भी रहा नहीं जा रहा है और आप भी भगवान की भक्ति करने के लिए तैयार हो चुके खड़े होकर नाचते गाते झूमते हुए नंदीश्वर दीप में हम लोग भक्ति कर रहे हैं भगवान की। सभी लोग रेडी हो जाएंगे चवर आदि लेके जिसे जैसे भी करना हो खड़े होकर नाचते गाते झूमते हुए भक्ति करेंगे सभी लोग डोलते हुए। सुबह से हम काफी देर से बैठे हुए हमारे थोड़े से पैर भी फ्री हो जाते हैं इसमें
प्रणमो वाय हरियाणम प्रणमो बच्छायाणम प्रणमो लोए सब्बसाहुणम ऐसो पंच नमुकारो Oh,
पंचणमुपकारो सब पाप पणासनो मंगलाणं च सप्रसिं पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम् पठमं हवै मंगलम् Oh.
मंगलम देह मंगलम विदेह मंगलम 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 बहुत सुंदर भक्ति सभी ने की आज, बहुत सुंदर भक्ति। अक्रोड देखा है ये मीना पारेख जी, मीना पारेख जी है जब तक दूध कंप्लीट कर। मीना पारेख जी वीडियो ऑन कर लीजिए आप अपना। मीना पारेख जी आपका वीडियो ऑन नहीं है, वीडियो ऑन कर लीजिए एंड जब तक हम रेखा जी से सुनते हैं। जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र नीरज दीदी, जय जिनेंद्र ललिता दीदी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। आपने कर्मों पर विशेष बात रही कि ध्यान रहा कि कर्मों के बारे में हमें सोचना है अष्टकर्मों का, तो उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया कि मोहनीय कर्म सबसे बड़ा है। इस बात की जो है इस ध्यान लगाया, सब लोगों को पता लगा कि मोहनीय कर्म क्या है, इसकी आयु कितनी है, 70 कोड़ा कोड़ी। तो होता क्या है कि हम जैसे इसमें कंट्रास्ट चीजें हैं, दो चीज अपोजिट है, कि मीठा भी है और धोखेबाज भी है। जब ऐसे मित्र को तो हमें अपने साथ रखना ही नहीं चाहिए जो मीठा भी है, जो प्रेज भी करता है और धोखेबाज भी है। तो हमें इससे सचेत रहने की आवश्यकता है कि हमें इसको नहीं अपने साथ रखना है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये तलवार वाला कि हम क्षणिक सुख के लिए वो शहर चाटने में लग जाते हैं और इतने आयु का अपना बंद कर लेते हैं, जो कि इसमें हमें सोचना है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सब लोग की खालियात आए खालियात जाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म हम जो पिछले हमारे भवों के चले आ रहे हैं वो हम साथ लेकर आते हैं, और जो इस भव में भी जो हम बांधते हैं वो भी सब साथ जाते हैं। तो बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है और मोहनीय कर्म से विशेष रूप से, क्योंकि कर्मों की तो दशा ऐसी है जैसे वे चेस खेलते हैं, तो चेस में हम जो आगे चीज बढ़ा देते हैं तो वो ना तो अंडू कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, कोई नहीं है, और लेकिन नेक्स्ट चाल हम अच्छी चल सकते हैं। तो कर्मों के बारे में हमें ये सोचना है कि जो हमारे कर्म कर लिए हमने, खराब तो कर लिए, लेकिन आगे हमें सबसे ज्यादा बचना है इनसे, क्योंकि ये हमें अधोगति में पहुंचा देंगे और हमें अपना को हमारे जो अनंत गुण है हमारे अंदर वो हम प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। तो कर्मों का हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है और मोहनीय कर्म पर सबसे ज्यादा, कि इसके उसमें नहीं आना है, चक्कर में नहीं आना है, क्योंकि इसमें डबल चीजें हैं हमारे लिए कि मीठा भी है और धोखेबाज है, ऐसे मित्र से बचना है हमें। ये बहुत बड़ा संदेश था आज का, जो बहुत ही प्रेरणादायक था सबके लिए। बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, बहुत सुंदर। रेखा जी ने फिर से सबको बहुत अच्छा रिपीट करवा दिया मोहनी कर्म के बारे में, क्योंकि तो उसके बिना नहीं रहते हैं, हर पल उसी के साथ रहते हैं। तो वो कैसा है हमने तो एक बार बता दिया, लेकिन जब इनने रिपीट कर दिया तो वो अब सारे दिन रहता है दिमाग में। कुछ ऐसा नहीं है, तो बोलते चले कैसा मीठा और कैसा धोखेबाज है, बहुत सुंदर रेखा जी। तब आपकी वो है, आपकी सुनती हूँ कुछ चीजें याद आती हैं तो वही बोल देती हूँ दीदी, और कुछ नहीं है मेरा, कुछ नहीं है। आपकी इतनी सुंदर व्याख्या रोज हो रही है दीदी, कि रोज ये लगता है कि व्याख्या और चले। जैसा आप उस दिन कह रहे थे ना कि आपके ट्रेनिंग वाले ये कह रहे हैं कि आपने ऐसा तो वहाँ पढ़ाया ही नहीं, तो ऐसा ही हमें लगता है कि जो आज पढ़ा रहे हैं कल को उसको दोबारा सुनेंगे तो शायद और नई नई चीजें इसमें सुनने को मिलेंगे। ये तो अनंत, ये तो लग रहा है कि अनंत व्याख्या है इसकी, जहाँ तक चलते चलेंगे और नई नई चीजें आती चलेंगी,
एक ही श्लोक की बहुत सारी अच्छी व्याख्याएं मिल गई। बहुत अच्छी है, प्रतिदिन लगता है जैसे नए ग्रंथ खोल के बैठ गए हो। हाँ, नई चीजें सुन रहे हैं बिल्कुल। हर दिन नया कावे में ऐसा लगता है जैसे हर दिन नए ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हो। हर एक कावे सुना ही नहीं। आपकी व्याख्या भी तो नई नई होती है ना, वो नई चीजें आ जाती है सामने। हर दिन लगता है एक नया ग्रंथ विराजमान करके बोल रहे, एक एक गाथा में ऐसा लगता है एक एक ग्रंथ समाहित है जी। जब ट्रेनिंग लेते हैं तो समय लिमिटेड रहता है, सारी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है। आज भी समय लिमिटेड है, 15-20 मिनट बोलना है अपने को। सारी चीजें तो एक साथ होती नहीं है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो और भी दूसरी दूसरी चीजों का खुलासा हम करते चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है सुबह सेशन में, काफी कवर हो जाती है। मतलब शांति धारा, प्रतिक्रमण, चक्र, श्लोक, मंत्र, रिद्धि, 56 अर्घ, उसके बाद बीजाक्षर, जाप और भक्ति। भक्ति के बाद अब हम चल रहे एक्सपीरियंस भी लेंगे। आज मीना जी हमारे साथ है, मीना जी पारेख का एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। जय जिनेन्द्र मीना जी। अब तो आज बहुत जय जिनेन्द्र दीदी, क्या खुशी। तो देखो आप, धन्यवाद आपका दीदी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत यानी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया है मेरे को। परसों मैंने आपको फोन किया कि मेरी केस चल रही है और रिजल्ट आने वाला है, जजमेंट आने वाला है, तो आपने मेरे को जो जो भक्तांबर का पाठ सुनाया तो बहुत बहुत मेरे को फायदा हुआ और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया, तो मैं बहुत खुश हूँ आपसे। और आप लोग इतना अच्छा पढ़ाते, इतना अच्छा सुनाते हैं। मैं एक साल से हूँ लेकिन मेरे को बोलने का डेयरिंग नहीं था, लेकिन आपने बोला नहीं काला एक्सपीरियंस बोलो, इसलिए मैंने आज आपके साथ बात कर रही हूँ। आप सोचो मैं ऐसे फोन पे बात कर रही हो, फोन पे कितना अच्छा बता रहे थे कल आप। आप कितना सारा बताए कर कितने अच्छे से। सच्ची बात है, सच्ची बात। थोड़ा डेयरिंग आने की जरूरत है दीदी, आएगा धीरे धीरे से आएगा डेयरिंग भी। भाई साहब कहाँ है, भाई साहब को लो। हाँ भाई साहब को लेती हूँ एक मिनट। बोलो जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र दीदी बोलो। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र बेटा। मेरा कल जजमेंट आपके शुभ आशीष से आ गया और हमें 5 साल से केस लड़ रहे थे और सब वो झूठा था, लेकिन इतने हम परेशान थे, लेकिन कल इतना अच्छा जजमेंट आया है तो सुप्रीम में भी जा नहीं सकता है। अच्छा। और ये सब भक्तामर का आपने जो पठन करने को दिया था वो सब हम पूरा परसों से लेके पठन कर रहे थे। हाँ। और आप ठीक है? हाँ ठीक है। हम रात का बहुत आप एक बार सांगली पधारिए ना, एक बार सांगली पधारिए। जरूर जरूर आएंगे, उस साइड आएंगे, जरूर आएंगे सांगली जी 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 जी। परसों रात में मेरे पास इनका फोन आया था और मैंने इन्हें कहा था आपको ये श्लोक पढ़ना है, तो बोले हम तो ये पढ़ ही रहे कितने दिनों से। और फिर मैंने भी इनको हीलिंग दे दी, रात में 11 बजे की बात है जी जी जी, 11 बजे ही मैंने इनको हीलिंग दे दिया जी जी, 23 नंबर का और 1st नंबर का कि आप निश्चित एक का 23 का 46 और 48 ये तीनों चारों हमने पाठ किया था। तेईस, 1st, 46, 48 चारों भी श्लोक इन्होंने पढ़े और मैंने रात में 11 बजे इनको हीलिंग दिया। सुबह इनका फोन आया 11:15 बजे, मैं इनको याद करके मन में हीलिंग दे रही थी और इनका फोन आया जी जी, हम केस जीत गए। पहला फोन आपको लगा रहे हैं।
अरे इनका फोन और 11:30 पे एक फोन फिर आया कि अब रिजल्ट आ गया, 11:15 पे आया। जैसा ही रिजल्ट हमको वकील ने बोला कि रिजल्ट आ गया, ऐसा पहले आपको फोन लगाया। हाँ सबसे पहले पहले 11:15 पे एक फोन आया कि मंत्र सुना दो, बस मंत्र मन में चल ही रहा है और 11:30 पे फोन आ गया कि हमको रिजल्ट पॉजिटिव आ गया। आ गया आ गया, बड़ी उपलब्धि की 1 साल से सेशन में जुड़े हैं जी। इन लोग और इतनी श्रद्धान जी कि रात में 11 बजे बात करना, मंत्र सुनना, मंत्र पढ़ना, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ऐसी अवस्था में तो लोग ऐसे टेंशन में रहते हैं कि मंत्र वगैरह सुनने का तो मन लोगों का होता ही नहीं है और वो टेंशन में चले जाते हैं, लेकिन इनका धैर्य बहुत बहुत, और उससे बहुत शांति भी मिली, ऑटोमेटिक टेंशन भी कम हुआ। नहीं नवकार मंत्र का पठन करने से, भक्तामर का सॉरी, तो बहुत उससे शांति भी मिली। हाँ इनको बहुत शांति भी प्राप्त हुई। देखो आप लोग खुद ही सुन रहे हैं इनके मुख से कि कितनी शांति इनको मिली। रात में भी बड़े हंसते हंसते मीना जी बहुत ही हंसते हंसते मंत्र ग्रहण कर रहे थे, बहुत हंसमुख। जब बात भी करते हैं तो बहुत मतलब हास्यता से बात करती है मीना जी, बहुत अच्छे से। कह रही थी कि मैं तो हर काम दीदी आपका नाम लेके कर लेती हूँ, मेरे सारे काम सक्सेस हो जाते हैं आपका नाम लेके। ये आप इतनी पावरफुल और इतनी लकी है कि पूछो मत, बहुत ही हमारे लिए लकी हो आप। हेलो आदिनाथ भगवान है, सब कुछ जो भी है वो है करने वाले। नहीं आपके भी आशीर्वाद। नहीं बहुत आशीर्वाद है और आपका नाम लिए तो आप एकदम सक्सेसफुल हो वुमन हो हमारे लिए बहुत ही। तो आप जरूर सांगली एक बार आओ, हम मिलेंगे और इधर हम भक्तांबर का कुछ सेशन करेंगे दीदी। हाँ जरूर जरूर प्रोग्राम रखिएगा आप सांगली में। जरूर जरूर करूंगी जी। हाँ जरूर रखूंगी दीदी। और थोड़ी स्थिति दीदी मैं बाद में आपको फोन में बताऊंगी, मेरे को एक दो प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन मेरे को थोड़ा चाहिए। ठीक है ठीक है, जरूर बताऊंगी जरूर। हाँ जरूर जरूर। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, मेरा काम सक्सेस हुआ, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। बहुत टेंशन मेरा कम हुआ दीदी। बहुत बढ़िया, देखिए इनके पक्ष में रिजल्ट आ गया, इतनी खुशी कि आना ही था। जो इतनी आराधना कर रहा है 1 साल से तो उनके पक्ष में क्यों नहीं आता। रात में 10:30-11 बजे आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान आदिनाथ का फोन करके, वो भले ही मेरे माध्यम से जा रहा है तो प्रभु का आशीर्वाद जा रहा मेरे पक्ष से है, सब आदिनाथ भगवान की कृपा है। वो सही है तो भी मेरे को इतनी आप पे श्रद्धा है दीदी कि पूछो मत, बहुत ही श्रद्धा है आप सब। कितना नॉलेज है आपको, कितना नॉलेज है, कितना पढ़ाती हो आप, कितना हर रोज नया नया सिखाती हो सबको, बहुत ही बढ़िया सिखा रही हो आप। थैंक यू। नहीं और नीरज भाई साहब आपको इतना साथ दे रहे हैं तो हम भी हमारे हस्बैंड को बोलते हैं देखो नीरज भाई साहब कितना साथ दे रहे हैं, आप भी सीखो। मीना जी विनय भाई साहब। हाँ विनय भाई साहब बहुत आपको साथ दे रहे हैं दीदी, यू आर वेरी लक्की। हाँ सही बात है, उनके साथ के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। सही बात है, सही बात है। घर लोगों घर के लोगों का साथ रहता है तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। सच्ची बात है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीना जी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आप कह रहे थे मुझे बोलना नहीं आता इसलिए मैं फोन पे ही बता रही हूँ, लेकिन मैंने कहा आप सबके सामने बोलिए, ऐसे ही बोलते बोलते जैसे आप फोन पे बात करते ना वैसे ही बात करो, मैं फोन पे कर रही हूँ। अच्छा। कोई नहीं फोन पे कितना उल्लास, कितने देर, कितना अच्छा आपने बताया, कितनी खुशी थी परसों रात को भी आपको, कल सुबह भी, बस ऐसे ही बात करना जैसे हम दीदी से फोन पे बात कर रहे हैं ऐसे ही बोल रहे हैं, है ना। हाँ, जरूर। आगे भी आपके कार्य पूरे संपन्न होए। बस बस बस, बस।
वही आशीर्वाद चाहिए। और मैं नागपुर खास आपको मिलने आऊंगी दीदी। बिल्कुल जरूर आइए, आपका स्वागत है नागपुर में। हाँ जरूर 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 दीदी। मेरा देखो मेरे हॉल में आदिनाथ का पालीतानाथ का पट है देखो। अच्छा ये दिख रहा है। दिख रहा है ना। हाँ हाँ बहुत सुंदर। हाँ हर रोज हम हर रोज इनसे ही पहले नमन करके ही काम शुरू करते हैं सब। अच्छा बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। ओके ओके जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र आपने सुनाया इसके लिए। संतोष जी जैन क्या बोल रहे हैं संतोष जी। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। हाँ दीदी मेरी तबीयत तो ठीक है लेकिन मेरा गला और अभी थोड़े सर में प्रॉब्लम है। मैं भक्ति तो अच्छी कर लेती हूँ लेकिन अभी भी बहुत सर दुखता है मेरा। वो माइग्रेन बताया मुझे। माइग्रेन बताया दीदी। माइग्रेन बताया जी। रम भी जाकर कर रहे हो आप। मैं माइग्रेन के लिए तो वो दूसरा श्लोक सरदर्द वाला है ना। हाँ 24 नंबर श्लोक 24 भी करूं। ठीक है दीदी। और एक मेरी मम्मी को हीलिंग दे दीजिए ना दीदी, बहुत परेशान हो रही है वो। दे दो दीदी। क्या बोल रही है पुष्पलता जी का जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ आज मेरे पोते का बर्थडे है। संकेत संकेत मुन्ना हैप्पी बर्थडे टू यू। संकेत संकल्प से याद आ गया 26 मार्च का बर्थडे तुम्हारा। के केमिकल के दवाइयों से भी अधिक भक्तांबर बीज अक्षर पावरफुल है। तो तन से महा लिखा तारीख से लिखी मन से साल लिखा स्नेह से बर्थडे पर चार सुमन दादी साने लिखे हृदय से सागर का कोमल गंभीर हृदय पोते का लगता कितना सुंदर है। खेलता रहे उसमें ईशा का पार सदा कमल बनकर जीवन में हर क्षण तुम्हें ढेर सारी खुशियां खुशियां मिले। फूलों सा तुम्हारा जीवन सदा भक्तांबर ग्रुप से आशीष से खेलता रहे खेलता रहे। पूज्य अर्चना जी दीदी विनोद भैया ललिता जी नीरज जी रेखा जी की सभी पार्टिसिपेट की दुआएं मेरे पोते को आशीष वचन द्वारा मिले आशीष वचन द्वारा मिले यही बर्थडे पर कामना पुष्पा जी करती है। आसमान में जितना सितारे उतने उम्र हो तुम्हारी अखंड उत्कृष्ट सौभाग्यशाली बने। बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये गाए तुम जियो सद हजारों साल दिन के हो 50,000। हैप्पी बर्थडे टू यू संकेत। हैप्पी बर्थडे टू यू संकेत। अर्चना दीदी ये मेरा पोता है। ये मेरा पोता है आप दुआ दीजिए उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पहले तो सबसे बच्चा पोते की इतनी सुंदर लाइनें लिखी उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और संकेत को आज जन्मदिन की बहुत बहुत कोटि सा बधाई हम और हमारे पूरे झूम परिवार की ओर से। संकेत को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे गॉड ब्लेस यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। दीदी इसको बचपन में मैंने भक्तांबर सिखाया है वो आज भी उसे याद है और वो पढ़ता भी है। बहुत सुंदर इतनी अच्छी दादी के लिए आप दादी के चरण स्पर्श करो और दादी से आशीर्वाद लो और आगे भक्तांबर में आपकी रुचि ऐसी बनी रहे। इतनी अच्छी कवियत्री मिली है आपको दादी जो इतनी अच्छी लाइनें लिखी आपके लिए हमारे लिए भी कई बार लिखा और बोला है इन्होंने तो बहुत अच्छा है। संकेत जी आपको एक बार पुनः बधाई जन्मदिन की। थैंक यू दीदी। थैंक यू।
बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। उदभूत भीषण जलोदर भूना तो चांद शाम उपगता शुत जीविताशा तदपाद पंकज रजो गत दीग्ध देहा मक्त्या भवन्ति मकरत धज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्रव शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम रीम अरम नमो अखीण वाणशानम झुम झुम नमः स्वाहा। कदाचिदुपयाशिन राहु गम्य पष्टीकरोति सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोधरो धरणिरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमाशि मुनिन्द्रलोके। ओम नमो वट्टि मट्टे शुद्ध विघट्टे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां बंध्य बंध्य सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो विघट शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम रीम रम नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां झुम झुम नमः स्वाहा। काम 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 बोलिए आदिनाथ भगवान की। आज प्रतिक्रमण रह गया आज। हाँ दीदी एक चीज कहनी थी कि एक लड़का था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स है ना गुम गए थे, तो फिर अब वो बोली क्या मैं भी हीलिंग नहीं दे सकती थी तबीयत इतनी खराब थी, तो मैंने उसको नमस्तो बनाया। 3 दिन में उसके सारे मिल गए, सारे डॉक्यूमेंट्स फोटो वोटो सब मिले। उन्होंने आपको बहुत बहुत अनुमोदना की है, वो अदर कास्ट है, और बहुत बहुत आपको कोटि कोटि धन्यवाद दिया है उन्होंने कि है ना उनको पूरा नहीं तो सारा बेकार हो जाता, पूरा किया खराया उसे। कोटि कोटि धन्यवाद आपको, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, और मेरी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद। हे अरिहंत प्रभु मुझसे मन वचन काया द्वारा क्रोधमान माया लोक द्वारा सच्चे देव गुरु शास्त्र की कभी अभिनय हुई हो असाधना हुई हो तो मुझे क्षमा करें, तथा इस भाव में या पूर्व भाव में प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा प्रतिक्रमण करना संबोधना द्वारा संभ्रम समारंभ द्वारा किसी भी जीव की अवेदना हुई हो घात हुआ हो दिल दुखा हो या उनके शरीर में मेरे वजह से आदि व्याधि पहुंची हो मुझे क्षमा करें। आज का नया दिवस आपने दिया इसलिए आपके कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। आज के अनुष्ठान में मुझसे शब्द अक्षर काना किसी प्रकार की गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरे दोष मिथ्या हो मेरे देश मिथ्या हो मैं मुझ में रहूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम सुरक्षितो हम ओम नमः आरोग्यो हम ओम नमः आरोग्यो हम परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम सुखम ओम शांति सबको जय जिनेन सबसे क्षमा उत्तम क्षमा बोली आदिनाथ भगवान की जय। चलिए एंड कर